मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज ये जो आपको इस क्लास का फॉर्मूला दिखा गया है, इसके पहले मैंने 28 सितंबर से जो अपना क्लास चल रहा है उसमें मैंने यूनिट 4 का एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4 का क्वेश्चन हमने सोल्व कर चुका है। वो आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद ये आपका जो 13 चैप्टर है ओमेंसिएशन का पार्ट है, उसमें हमें 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 चार एक्सरसाइज में हम लोग क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोल एंड स्फीयर ये पांच सॉलिड फिगर का हम लोग सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, जो भी एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 13.5, 13.6, 13.7 एंड 13.8 एक्सरसाइज में इसी पांचों सॉलिड जो फिगर होगा उसका हम लोग भूलों पढ़ेंगे, यानी क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर का हम लोग भूलों पढ़ेंगे 13.4 के बाद। तो अभी हमने जो फॉर्मूला आप लोग को लिखवाया है वो 13.4 तक ही है के लिए है, क्योंकि इसमें हम लोग को पढ़ना है सरफेस एरिया। तो उसके लिए पहले हमने क्यूबाइड का, क्यूब का, ऐसे करके हमने सारा फॉर्मूला आपको यहाँ पर डील किया है। आपको मैं इस फॉर्मूला को समझा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें क्या चीज है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड यह है 2 × LB + BH + LH। ये जो भी एरिया हम निकालेंगे किसी सॉलिड फिगर का उसका जो यूनिट होगा स्क्वायर में होगा। किसी भी सॉलिड फिगर के एरिया का होता है यूनिट सरफेस स्क्वायर में। तो टोटल सरफेस एरिया आप डिवाइड हो जाएगा 2 × LB + BH + LH स्क्वायर में। सेकेंड फॉर्मूला आपका है लेटरल सरफेस एरिया आप डिवाइड 2 × L + B × H स्क्वायर में। थर्ड आपका फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 × साइड स्क्वायर। एक क्यूब बाइड जो है और क्यूब जो है वो दोनों सेम की है, अंतर यही है क्यूबाइड का डायमेंशन डिफरेंट होता है और क्यूब का डायमेंशन सेम होता है, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्यूब का सेम होता है। इसलिए आपका फोर फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 4 × साइड होल स्क्वायर, इसका यूनिट यही होगा स्क्वायर यूनिट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 π r × H + R स्क्वायर यूनिट। वेयर जो r है वो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर है और जो h है वो हाइट ऑफ सिलेंडर है। जो सिलेंडर है उसमें r हो जाएगा रेडियस ऑफ द बेस और जो h है वो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। ये सिक्स जो आपका फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 π r² यूनिट। सेवन टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन π r × L + R² यूनिट। अब इसमें जो कोन है उसमें जो एल काम यूज किया है, एल क्या है वो उसका तिरछी ऊंचाई होता है कोन का, तो जो तिरछी ऊंचाई होगा उसको हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं, इसलिए एल इज स्लेंट हाइट ऑफ कोन एंड आर इज रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन। और एल निकालने का मेरा फॉर्मूला है एल इक्वल टू √H² + R² या हाइट ऑफ कोन हो गया और ये हो गया रेडियस ऑफ द कोन। एट कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन π r² यूनिट। नाइन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 π r² यूनिट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो स्फीयर का 4 π² एरिया है उसका हाफ हो जाएगा 2 π r² यूनिट। ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और 11 में हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 π r² हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कर्व एरिया प्लस उसका बेस एरिया, जो बेस बनेगा वो सर्कुलर बनेगा और कर्व होगा 2 π r² और बेस का एरिया होता है π r², 2 π r² और π r² दोनों ऐड हो जाएगा एक साथ तो हो जाएगा 3 π r². अब देखिए ये आपका जो फॉर्मूला हो गया, इसके बाद हम 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4 का क्वेश्चन
सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में जाएगा और सारा आपका 13.4 तक समाप्त हो जाएगा, तब हम 13.5 से लेकर 13.8 तक का फॉर्मूला का वीडियो तैयार करेंगे, वो आपको भेजा जाएगा और उसके बाद जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग मैंने बना करके आपके पास वीडियो भेजेंगे हम लोग 13.5 से, ये सारा हो जाने के बाद। थैंक यू।